हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विद्या और आज मैं आपके सामने एक सिंपल सी मैक्रोनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाने में तो इजी होती है बट खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे मैंने मिक्स मैक्रोनी ली है और ये अनियन है, टमाटो है, कैप्सिकम है, टमाटो के साथ में मैंने थोड़ी रेड ग्रीन चिलीज़ भी हैं, इसमें सॉल्ट है और रेड चिली फ्लेक्स है और यहाँ पे अजीनोमोटो भी है साथ में। ये सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली है, थोड़ा इन्हें रफली चॉप किया, मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया। मसाले हम ज़्यादा नहीं लेंगे, बस तीन ही चीज़ें चाहिए। और इसमें यहाँ पे हमें चाहिए ऑयल और ये है विनेगर और चटनी। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था जो कि अब उबल चुका है। इसमें मैंने पास्ता और मैक्रोनी मिक्स करके डाल दी है। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करूँगी और थोड़ा सा ऑयल। सॉल्ट इसलिए कि थोड़ा सा इसके अंदर तक इसमें जो सॉल्ट है वो चला जाए, उसका टेस्ट आए। और ऑयल से ये थोड़ा सा मतलब खिले खिले से रहेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालने से इसमें क्या होता है कि जो हमारे मसाले होंगे ना वो इसमें अच्छे से चिपकेंगे नहीं। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको 10 से 15 मिनट बॉईल होने के लिए, जब तक ये कुक नहीं हो जाता तब तक बॉईल किया है। तो यहाँ पे मेरी मैक्रोनी अच्छे से देखो बॉईल हो चुकी है, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। मैंने इसको अभी तोड़ के भी चेक भी किया था मैंने। ये मैंने इसको वॉश कर लिया, अच्छे से धो लिया इसको अच्छे से। फिर मैं एक साइड में गैस को ऑन करके उसमें एक कढ़ाई रखती हूँ। जिसमें मैंने अभी ऑयल डाला है, मैंने इसमें 5 to 6 स्पून ऑयल डाला है। थोड़ा सा ऑयल ठीक ठाक चाहिए। और अभी मैं यहाँ पे अनियन ऐड कर रही हूँ, उसमें जो रफली चॉप थे अनियन वो मैंने ऐड कर दिए इसमें। अब इसको मिक्स कर दो अच्छे से और इसको मतलब ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा इसको, इसकी क्रंचीनेस चली जाए बस इतना इसको कुक करना है। यहाँ पे हो गया है कुक। इसके बाद मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड किए एंड टमेटो और ग्रीन चिल्ली, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से डालिए इसमें सॉल्ट। ये रेड चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे ये अजीनोमोटो हमने लिया है, ये आपको मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा। इन सबको अच्छे से मिला दें और यहाँ पे इसको ढक दें। बीच बीच में इसको चेक करते रहे थोड़ा बहुत, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये। अगर आप इसको ढक देंगे थोड़ा सा तो हल्के हल्के जो हमारे प्याज टमाटर ये सारे सब्जियां हैं ये थोड़ी सी गल जाएं बस। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में यहाँ पे अभी मेरे पास घर की थोड़ी सी बनी हुई चटनी पड़ी थी तो वो मैंने इसमें ऐड की है। ये सिंपल सी एक चटनी है जो मोमोज़ के साथ में हम लोग बनाते रहते हैं, वही चटनी मैंने इसमें ऐड की है थोड़ी सी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है इसमें सोया सॉस और ये है विनेगर सिरका, इसको मिक्स कर लें अच्छे से। अब इसके बाद इसमें मैंने पूरी मैक्रोनी डाल दी है इसमें, जो बॉइल्ड मैक्रोनी थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद मैंने इसे 2-3 मिनट और पकाया है। तो लीजिए हमारी मैक्रोनी यहाँ पे रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी थी ये।